रूट आई अपॉन फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये हम लोग निकाले थे, ठीक है। यही था, ये हम लोग का क्या है, ये है बायोट सेवर्ट लॉ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग कंडीशन लेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन, उसमें तो मतलब वायर का जो लेंथ था, लेंथ तो फिक्स था। अगर ए बी कोई वायर था, यहाँ से वायर से डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। और क्या था, और उसमें एक कंडीशन और था कि ये जो एंगल था, ये एंगल था आपका थीटा वन और ये एंगल था थीटा टू, एंगल ऐसे था थीटा टू, ठीक है। लेकिन अब हम जो अगला केस ले रहे हैं, केस आपका ये है कि अगर ये वायर एक तरफ से इनफाइनाइट है और कोई पॉइंट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक गया हो, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वायर हम जोड़ दिए फिक्स्ड पॉइंट से और वायर चला गया इनफाइनाइट तक, पता नहीं कहाँ तक गया। इनफाइनाइट मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, कि फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है कि यहाँ से कितना दूर तक गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला गया वायर, ठीक है। अब अगर हमें ऐसे वायर के लिए ये पॉइंट ए है और ये इनफाइनाइट पे कहीं पॉइंट बी है, अगर हमें ऐसे पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो डी डिस्टेंस पर जहाँ पॉइंट पी है, तब क्या करेंगे। तब तो देखिए, मान लेते हैं ये एंगल जो है आपको पता है, ये एंगल है थीटा, लेकिन दूसरा एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा एंगल कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ होता तो आप एंगल बोल देते, कुछ ना कुछ एंगल होता, लेकिन दूसरा एंगल ज़रा सोचिए, ये वायर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, तो एंगल भी बढ़ रहा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि एंगल कहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी वायर का कोई साइड इनफाइनाइट हो जाए तो उनके लिए हम लोग एंगल कितना लेते हैं, 90 डिग्री। मतलब ये जो थीटा टू है आपका, थीटा टू जो था, थीटा टू आप कितना लेंगे, 90 डिग्री, और थीटा वन का वैल्यू कितना लेंगे आप, ये डिस्टेंस डी है, जो थीटा वन था, थीटा वन का वैल्यू थीटा के ऊपर लेंगे। तो अब यहाँ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो होगा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे केस में, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी साइन थीटा वन, थीटा वन की जगह क्या लगाएंगे थीटा, प्लस थीटा टू की जगह क्या लगाएंगे 90। तो यहाँ के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई डी साइन थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वायर का एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड इनफाइनाइट हो, मतलब कि एक कोई फिक्स्ड पार्टिकुलर पॉइंट से वायर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, तो ऐसे वायर का मैग्नेटिक फील्ड अब ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग दूसरा केस क्या लेंगे, दूसरा केस ये ले सकते हैं कि वायर का जब दोनों साइड इनफाइनाइट हो जाए, है ना, हम इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा केस लेके देख लेते हैं। दूसरा केस इसको अब इरेज करते हैं। दूसरा केस में ये हो सकता है, ध्यान से देखिए, दूसरा केस में क्या होगा कि जब कोई वायर है, वायर का दोनों साइड इनफाइनाइट हो, मतलब कि हमें पता नहीं वायर कहाँ से आया और कहाँ तक चला गया, हमें सिर्फ बीच के बारे में पता है कि वायर यहाँ है, पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट भी पता नहीं है और फाइनल पॉइंट भी पता नहीं है, मतलब इसका अंतिम छोर भी पता नहीं है, प्रारंभिक छोर भी पता नहीं है, इनिशियल पॉइंट पता नहीं कहाँ से वायर शुरू होकर आया और पता नहीं कहाँ तक गया, लेकिन बीच का पता है कि वायर जो बीच में है और इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रही है, हम चाहते हैं कि ये वायर से पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें क्या करना है, वायर से डी डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, अगर दोनों छोर पर क्या हो इनफाइनाइट, हम क्या बोले, जब भी इनफाइनाइट होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ जो है थीटा टू भी होगा 90 डिग्री और थीटा वन भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ गए, थीटा टू और थीटा वन दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देख लीजिए, यहाँ सिर्फ एक मतलब एक एंड इनफाइनाइट था,
तो वो कितना लिए थे 90। जब भी वायर इनफाइनाइट का केस हो, वायर में कौन सा केस, इनफाइनाइट का केस, तो अब एंगल कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे 90 डिग्री, ठीक है, एंगल कौन सा लेंगे 90 डिग्री का, समझ गए। तो देखिए 90 डिग्री का अगर एंगल लेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बीपी। ये कौन सा केस है, जब वायर के बारे में, जब वायर का हमें ना ही इनिशियल पॉइंट पता हो ना ही फाइनल पॉइंट पता हो, मतलब ये कि वायर कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ये हमें अगर पता ना हो, अगर हमें वायर के बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वायर के कारण डी डिस्टेंस पर, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बी पी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πD। ये डिस्टेंस डी क्या है, वायर से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसमें थीटा 1 कभी वैल्यू 90, थीटा 2 कभी वैल्यू 90, क्योंकि थीटा 1 वाला भी इनफाइनाइट, थीटा 2 वाला भी इनफाइनाइट, और जहाँ इनफाइनाइट वायर होता है वहाँ एंगल 90 डिग्री। कैसे देख लीजिए, अगर ये वायर छोटा था एंगल ये होता, और वायर जो पता नहीं कहाँ तक जा रहा था, इसे बढ़ाते जाएंगे एंगल, बढ़ाते जाएंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से जो है जब आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नोट आई अपॉन 4πD साइन 90 प्लस साइन 90, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से बी पी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πD साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस 1, तो बी पी म्यू नोट आई अपॉन 4πD 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 × 2 = 4। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये कौन सा वायर है, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर इसको इसलिए बोला गया क्योंकि वायर का ना ही हमें इनिशियल पॉइंट पता है ना ही इसका फाइनल पॉइंट पता है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ जा रही इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वायर का सिर्फ हमें मिड पॉइंट, मतलब वायर का बीच वाला पार्ट पता है, और हम लोग इसी के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हम लोग यहाँ से दो केस ले लिए, ये है आपका केस सेकंड और ये है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, आपका वायर का इनिशियल पॉइंट आपको पता है लेकिन फाइनल पॉइंट पता नहीं। इनिशियल पॉइंट में आपको ये पता है कि वायर जो है कितना थीटा एंगल बना रही है यहाँ से, लेकिन फाइनल पॉइंट कहाँ जा रही है पता नहीं, इन्फिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, तो उसके लिए एंगल 90 डिग्री ले लिए। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में वायर का ना ही इनिशियल केस पता है, मतलब इनिशियल पॉइंट पता है, और ना ही फाइनल पॉइंट पता है। देखिए इनिशियली कहाँ से आ रही है पता नहीं, और कहाँ तक जाएगी पता नहीं, सिर्फ बीच वाला पार्ट पता है। हम आपको बताए हैं कि जब भी आपको ना ही इनिशियल पॉइंट पता हो ना ही फाइनल पॉइंट पता हो, मतलब कि वायर का अगर जो भी पार्ट इन्फिनिटी हो, तो उसके लिए एंगल जो हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री क्यों लेते हैं ये बात हम बता चुके हैं। 90 डिग्री तो यहाँ थीटा 1 का भी वैल्यू 90, थीटा 2 का भी वैल्यू 90, और हम लोग जो बायोट सेवर्ट लॉ को जो सिंप्लीफाई जब किए थे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आया था म्यू नोट आई अपॉन 4πD साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो म्यू नोट आई अपॉन 4πD साइन थीटा 1 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और थीटा 2 का भी वैल्यू कितना 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से कट जाएगा, तो म्यू नोट आई अपॉन 2πT। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मतलब जो वायर का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पता ना हो, ठीक है। तो ये दो केस हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, वो बात ये करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या कहती है, देखिए तो ये आपका क्या है, थंब है। अगर आप करंट को थंब के डायरेक्शन में मानते हैं, जब इसको कर्ल करेंगे, ये जो फिंगर का डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सटेंड करेंगे, पूरा इसको सही से पढ़ेंगे। आज फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।